हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किरण कॉमर्स जोन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली JKSSB की बहुत सी वैकेंसीज जो है वो आउट हुई हैं। तो अगर मैं उन सब एग्जाम्स की जो है एक साथ बात करूं, तो कुछ कंपोनेंट्स हमारे ऐसे रहते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं या हर एग्जाम में सेम रहते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है जैसे कि आपका GS का कंपोनेंट जो है, GS जो है आपको हर एग्जाम के लिए पढ़ने पड़ती है, वैसे आपका कंप्यूटर उसमें आ जाता है, रीजनिंग उसमें आ जाती है, एंड लास्ट इंग्लिश। बाकी साइंस और मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में हमें जो है पढ़ने पड़ते हैं अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं GS की बात करूं, तो GS में हमारा एक रहता है हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी, और थर्ड हमारे इसमें रहते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें हमारे इकोनॉमिक्स का भी रहता है, कभी हमें माइक्रो का पूछ लिया जाता है, कभी इंडियन इकोनॉमी का, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है, इसमें हमारा मैक्सिमम सिलेबस जो है वो हर एग्जाम में सेम रहता है। ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री की इंडिविजुअली बात करूं, तो हिस्ट्री का क्या रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री से हमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कई जगह हमें सिलेबस में क्या मेंशन किया जाता है, कंप्लीट हिस्ट्री, मतलब कि सिंपल वहां पे क्या लिखा होता है कि आपको क्या करना है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है। तो जब सिंपल हिस्ट्री लिखा है, तो उसमें हमारी आ जाती है एक तो एनिशियंट हिस्ट्री, ठीक है, दूसरी मेडिवल, और थर्ड हमारी आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और कुछ एग्जाम्स जो हैं उनमें हमें एक टॉपिक दिया होता है स्पेशली नेशनल फ्रीडम, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, या फिर आप कह सकते हैं नेशनल फ्रीडम मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहता है सारा हिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें अगर किसी एग्जाम में हमें, मतलब कि आप लगा लो कि कोई 10% ऐसे एग्जाम हमारे रहते हैं जिसमें हमें कंप्लीट हिस्ट्री पूछी जाती है, बाकी JKSSB के जितने भी एग्जाम रहते हैं उसमें हमारा एक टॉपिक तो रहता ही रहता है, जो कि क्या है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल या फिर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो ये नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हमारा किसका पार्ट है, एनिशियंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का? तो ये जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, ये किसका पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये हम किस में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में। अब मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, जब यूरोपियंस जो है वो हमारे भारत में आते हैं। ठीक है, तो आप यहां कह सकते हैं कि जब यूरोपियन कंपनीज का अराइवल होता है हमारे भारत में, हमारे इंडिया में, तो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो डिस्कस करवा देती हूँ, उसके बाद हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट रहता है जिसको हम कवर करेंगे, वो क्या रहता है, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यूरोपियन कंपनीज का आगमन। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या होता है, यूरोपियन कंपनीज आती हैं, और वो यूरोपियन कंपनीज कितनी हैं, क्या हैं, वो सारा हम जो है इसके आगे देखेंगे। 5 यूरोपियन कंपनीज क्या होती हैं, हमारे भारत में आती हैं। क्यों आती हैं, क्या रीजन है, तो वो क्या करती हैं, ट्रेड करने के लिए हमारे भारत में आती हैं। तो ट्रेड करने के लिए जब 5 कंपनीज यूरोप से भारत में आ रही हैं, तो क्या होगा, एक बोलेगा मुझे ट्रेड करना है, दूसरा बोलेगा मुझे वेल्थ कमानी है, मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनकी आपस में एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो जिसको हम क्या कहेंगे, बैटल। ठीक है, अब ये 5 कंपनीज जो यूरोप में आई, इन लोगों ने आपस में क्या करने शुरू कर दिया, बैटल करना शुरू कर दी। अब जब ये बैटल वहां पे शुरू हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, सेकंड में हम पढ़ेंगे बैटल बिटवीन कंपनीज की, उनके बीच बैटल होना शुरू होगी, एंड लास्ट में क्या होता है कि जो ब्रिटिश होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, और उन सब का जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है कि एक ही कंपनी हमारे भारत में रह जाती है, जिसका क्या नाम रहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सारी कंपनीज किसके लिए आई है, ट्रेड करने के लिए। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब वो हमारी वहां पे एक सिंगल कंपनी रह जाती है, अब वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ट्रेड करने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे रूल करना भी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, अब वो वहां पे रूल करना शुरू कर देते हैं, रूल करेंगे तो वो नई नई पॉलिसीज बनाएंगे, नए नए लॉज बनाएंगे। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने जैसे वहां रूल करना शुरू किया, तो उन्होंने नई नई पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी।
ठीक है, न्यू लॉ बनाना शुरू कर दिए, नई पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी, और जो हमारे इंडियन लोग थे उन लोगों को उनकी पॉलिसीज पसंद नहीं आई। जब किसी को कोई चीज पसंद नहीं आती है तो क्या होता है, वहां पे जाहिर सी बात है कि लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब हमारे इंडियन लोगों को वो पॉलिसीज, वो रूल्स, वो रेगुलेशन पसंद नहीं आ रहे थे तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, अब ये 1857 का रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। अब जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स का क्या होता है, वो डर जाते हैं, ब्रिटिशर्स डर जाते हैं, वो बोलते हैं यार इंडियंस ने क्या कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से उसको सप्रेस करना पड़ेगा, उस विद्रोह को खत्म करना पड़ेगा, ये जो डिमांड्स रख रहे हैं हमें उनकी डिमांड्स को सुनना पड़ेगा, उनको पूरा करना पड़ेगा, हम सिर्फ जो है अपने मोटिव के लिए यहां नहीं आए हैं। ठीक है, तो उस विद्रोह को वो क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, उसकी सप्रेशन हो जाती है, उस विद्रोह को वो खत्म कर देते हैं। मतलब कि 1857 का विद्रोह हुआ और इसमें क्या होता है, इसकी सप्रेशन हो जाती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, अब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसी चीज की फॉर्मेशन करनी चाहिए जो कि क्या करे, इन इंडियन लोगों की बातों को सुने और उनका क्या करे, कोई सोल्यूशन निकाले, उनको सॉल्व करे। ठीक है, तो वो किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई तो इसमें जो है कई सारे सेशंस हुए, कई सारी मीटिंग्स हुई, ठीक है, प्रेसिडेंट्स बदले, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो क्या हुआ, जब कई सारे लोग जो है किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि आप कहीं भी एरिया में जाते हो तो जिधर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं मतलब ऐसा रीजन रहता है कि वहां पे जो है लड़ाई होगी या दंगा फसाद कुछ ना कुछ हो रहा होता है। ठीक है, तो वैसे जब आईएनसी में बहुत से लोग जो है वो आपस में मिल जाते हैं या मतलब वाद विवाद करने लगते हैं तो इसमें भी क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है एंड एट लास्ट क्या होता है, आईएनसी का भी स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे स्प्लिट ऑफ आईएनसी हुआ तो इसी दौरान क्या हुआ, 1915 में गांधी जी जो है वो हमारे भारत में आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका से वो भारत में आ जाते हैं एंड हमारा जो है गांधीयन एरा शुरू हो जाता है, जिसमें जो है हम पढ़ते हैं हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, जो भी इन्होंने मूवमेंट्स जो है हमारे भारत में चलाए वो सारा किसमें आ जाता है, गांधीयन एरा में। तो ये जो गांधीयन एरा था ये कहां से कहां तक चला था, 1915 से 1947 तक। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री जो कि हम क्या करेंगे अपनी इस मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक है, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब हमें जो है सिलेबस में मेंशन किया जाता है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हमारा कहां से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं 1857 का रिवॉल्ट, इसको हम जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि स्वतंत्रता के लिए मतलब फ्रीडम के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई, आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी गई पहली लड़ाई। तो यहां से जो है हमारा जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, कब तक, गांधी नेहरा तक का। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो यहां से ही पढ़ते हैं, लेकिन जो कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं तो वो कहां से स्टार्ट होती है, जब ये यूरोपियन कंपनीज का अराइवल होता है। तो आई थॉट कि आपको जो है यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या रीजंस थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे रहेगा, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, क्या हो रहा है, यूरोपियन कंपनीज का अराइवल शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये 5 कंपनीज जो है यूरोप में इंडिया में आई और कौन कौन से ईयर में आई। तो देखिए इनकी जो सीक्वेंस है आने की सीक्वेंस अलग है और जो इन्होंने वहां पे फैक्ट्रीज अपनी एस्टैब्लिश की उसकी सीक्वेंस अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सी सीक्वेंस लिखी है, यूरोपियन कंपनीज की एस्टैब्लिशमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगीज वहां पे आते हैं, 1498 में पुर्तगीज वहां पे आते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी कंपनीज वहां पे एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 में और वो वहां पे जाके क्या करते हैं, ट्रेड के लिए जाते हैं और अपनी कंपनीज को वहां पे एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जाती है एंड 1602 में वो भारत में जाती है और वहां पे वो ट्रेड करना शुरू कर देती है। एंड देन दानिश और उसके बाद लास्ट में हमारी जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में भारत में जाती है।
ठीक है, तो ये आपने इसकी सीक्वेंस देख ली कि किस तरीके से जो है ये कंपनीज जो है वो एस्टेब्लिश हुई, सबसे पहले पुर्तगीज ने, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया ने, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया ने, फिर डैनिश, और फिर लास्ट में हमारी आ जाती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कि इनकी जो आने की सीक्वेंस है क्या वो भी सेम है, क्या सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर इंग्लिश, फिर ये सारी सीक्वेंस में लिखी हुई है, तो इनके स्टूडेंट्स आने की जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, एक लिटिल सा डिफरेंस है। वो क्या है कि सबसे पहले जो है वो पुर्तगीज आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं डच, ठीक है, पुर्तगीज के बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आते हैं डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड लास्ट में हमारे आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इनके आने की जो सीक्वेंस है उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि डच पहले आते हैं एंड ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बाद में आती है, लेकिन फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट में क्या है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया पहले फैक्ट्रीज लगाती है और उसके बाद डच ईस्ट इंडिया अपनी फैक्ट्रीज क्या है, कंपनीज क्या है वो वहां पे एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, तो ये आपने देख ली इसकी सीक्वेंस। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगीज का। तो पुर्तगीज का क्या होता है, 1498 में ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो भारत में जाना चाहिए, और उसके पीछे के रीज़न क्या थे, उसके पीछे के रीज़न ये थे कि वहाँ पे जो है स्पाइसेस बहुत अच्छे मिलते थे, मतलब कि मसाले जो हमारी एशियन कंट्रीज थी उसमें आप ले सकते हो, श्रीलंका ले सकते हो, भारत, जावा, ये सारी जो एशियन कंट्रीज थी वहाँ पे क्या था, स्पाइसेस की प्रोडक्शन की जाती थी, उसकी खेती की जाती थी। तो इन लोगों ने क्या किया, यूरोप में जो है स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एशियन कंट्रीज में जाएंगे और वहां से स्पाइसेस को कलेक्ट करके क्या करेंगे, यूरोप में बेचेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ने अब क्या बोला कि हम क्या करेंगे, यूरोप से इंडिया में जाएंगे, इंडिया से हम इंडिया में नहीं सॉरी एशियन कंट्रीज में जाएंगे, भारत में जाएंगे, एशियन कंट्रीज में श्रीलंका, भारत, वो जावा, तो ये सारी आ जाती हैं, तो हम वहां जाएंगे, अब वहां से हम क्या करेंगे, स्पाइसेस को लाएंगे और यूरोप में उनको बेचेंगे और क्या करेंगे, वेल्थ इकट्ठी करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले क्या किया जाता है, जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं उनको 1492 में भेजा जाता है, किसके लिए, एक रूट की डिस्कवरी करने के लिए। देखिए चक्कर क्या था कि अब यूरोप को क्या करना है, कहाँ जाना है, यूरोप को कहाँ जाना है, एशियन कंट्रीज में जाना है, एशियन कंट्रीज हमारी यहाँ पर है, तो अब उसको एशियन कंट्रीज में जाने के लिए एक रूट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या होगा, एक पर्टिकुलर रूट बनाना पड़ेगा कि जिस रूट से वो क्या करेंगे, वहाँ पे आएंगे और वहाँ से जो है स्पाइसेस को इकट्ठा करके वापस कहाँ जाएंगे, अपने यूरोप में जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये निकलता है कि क्या पहले कोई रूट नहीं बना था, उसी टाइम रूट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। तो देखिए पहले भी वहाँ पे जो है ट्रेड किया जाता था, एशियन कंट्रीज के साथ पहले भी ट्रेड किया जाता था, लेकिन वो किसके थ्रू करते थे, ये जो आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी से वो क्या करते थे, मेडिटेरेनियन सी से वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, यहां से वो एशियन कंट्रीज में आते थे और वहां से वो ट्रेड करते थे, लेकिन हुआ क्या कि ये जो ट्रेड करने वाला इनका जो रूट था वहां पे क्या था, लुटेरे, डाकू, ये सब देखने को मिलते थे। ठीक है, जैसे ही वहां से कोई शिप लैंड की जाती थी तो वो क्या करते थे, उस शिप को लूट लिया करते थे। दूसरा वहां पे क्या था, जो वहां पे इटली था, इटली की वहां पे मोनोपोली चल रही थी, इटली ने मतलब पूरे उसको अपने अंडर कर लिया था, तो ये सारे रीजंस जो थे वो हमें देखने को मिल रहे थे। दैट्स व्हाई वो क्या सोचते कि हमें क्या करना चाहिए, एक नए रूट की इन्वेंशन करनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कोलंबस को सबसे पहले भेजते हैं 1492 में, किस चीज के लिए, एक रूट को फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे वो भारत में जाएं। ठीक है, तो वो उसको जो है रूट को फाइंड आउट करने के लिए भेजते हैं, उस टाइम कंपस की इन्वेंशन हो चुकी है, तो अब वो कंपस की सहायता से क्या करेंगे, वो उस रूट को फाइंड आउट करेंगे। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, कोलंबस को क्या करना है, जाना उसको डिस्कवरी किसकी करनी है, भारत की डिस्कवरी करनी है, लेकिन वो पहुंच कहां जाते हैं, वो अमेरिका में। ठीक है, अब देख सकते हैं आप इस मैप में अच्छे से देख सकते हैं कि क्या होता है, कोलंबस निकलते हैं यहां से, ठीक है, यहां से वो निकलते हैं और उनको जाना कहां है, ये हमारी अफ्रीका, ये हमारा अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये हमारा अफ्रीका का पार्ट, यहाँ से ये मेडिटेरेनियन सी, और इधर से हमारा आ जाता है ये वाला पार्ट इंडिया का। अब उन्हें जाना कहाँ है, यहाँ से निकल के उन्हें इस एरिया में जाना है, लेकिन वो पहुंच कहाँ जाते हैं,
वो यहां से चलते हैं और पहुंच जाते हैं कहां पे, अमेरिका वाले पार्ट में, ये जो अमेरिका का पार्ट है वो कहां पहुंच जाते हैं, अमेरिका में। तो इससे हुआ क्या, उन्होंने डिस्कवरी किसकी करनी है, इंडिया की, पर वो किस चीज की डिस्कवरी कर लेते हैं, अमेरिका की। तो मतलब कि हमने क्या देखा कि कोलंबस जो है वो अपने इस टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। तो मतलब कि जो हमारे फर्स्ट पर्सन कोलंबस हैं, उन्हें जब भेजा जाता है 1492 में इंडिया की डिस्कवरी करने के लिए, बट वो वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, वो गलती से कहां पहुंच जाते हैं, अमेरिका में पहुंच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, 1498 को वास्को डी गामा को जो है भेजा जाता है उस रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस रूट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन थे जो कि हमारे इंडिया में पहुंचे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताइए फर्स्ट पर्सन का नाम जिन्होंने क्या किया था हमारे इंडिया में, इंडिया का जो फाइंड आउट किया था, या आप कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो पहले यूरोपियन व्यक्ति थे वो कौन आए थे, तो उनका क्या नाम था, वास्को डी गामा, ठीक है। कब आए थे, 1498 में, ठीक है। तो चलिए, ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन जो कि इंडिया में आए। अब हम देखेंगे कि ये इंडिया में कैसे पहुंचे, इनको कैसे पता चला कि ये जो रूट है ये बिल्कुल सही रहेगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, लिस्बन, आपने जगह का नाम सुना होगा, ये लिस्बन से निकलते हैं और लिस्बन से होते हुए ये अटलांटिक ओशन से यहां पे ये कैप ऑफ गुड होप से निकलते हुए और कहां पे एंटर कर जाते हैं, हमारे भारत में, ठीक है। अब हमारा जो इंडिया का पार्ट है वो ये है इंडिया, ठीक है, सबको मैप में दिख रहा होगा, इंडिया का जो पार्ट है वो ये है, ठीक है। इधर जो है एक पोर्शन हमारा किसका है, कालीकट का। अब ये वाला जो रीजन है ये क्या है, कालीकट, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं रेड से मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, कालीकट का पार्ट है। यहाँ पे क्या करते हैं, वास्को डी गामा पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब वास्को डी गामा यहाँ पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, उस टाइम कालीकट के जो रूलर हैं उनका क्या नाम है, जो मेरिन, वो क्या करते हैं, उनका वहां पे वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और कहते हैं आइए आइए, क्या काम है या जो भी है। तो वो किस लिए गए थे वहां पे, ट्रेड करने के लिए, स्पाइसेस कलेक्ट करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे क्या करनी है, यहाँ पे एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो वो कोचीन में जाके क्या कर देते हैं, कोचीन में जाकर वो क्या कर देते हैं, एक फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहां पे एस्टेब्लिश की, कोचीन में। अब कोचीन से क्या करते हैं, वो कहां चले जाते हैं, गोवा में, ये वाला जो पार्ट है इस रीजन में, ठीक है। कोचीन से वो गोवा चले गए, गोवा में जाके उन्होंने खूब सारे स्पाइसेस जो है वो कलेक्ट किए और उसके बाद वो क्या करते हैं, वहां से वो स्पाइसेस को कलेक्ट करके फिर से वो वहां से निकलते हुए इसी रूट से वो वापस कहां चले जाते हैं, अपने यूरोप में पहुंच जाते हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं वास्को डी गामा कहां से आए, लिस्बन से वो आए और कहां गए, कोचीन में, कोचीन में पहुंचे और कोचीन से वो गोवा गए। अब वो वापस कहां से आए, कोचीन से गए या गोवा से गए, तो वापस वो कहां से जाते हैं स्टूडेंट्स, गोवा से। तो गोवा से वो लिस्बन वापस जाते हैं और वहां पे जाके वो यूरोप में क्या करते हैं, उन वो जो उन्होंने स्पाइसेस कलेक्ट किए होते हैं वहां जाके उनको बेचते हैं, और जब वो उनको बेचते हैं तो वो उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत सारी वेल्थ वो जो है उससे इकट्ठी करते हैं। अब वो ये देखते हैं कि देखिए हमने जो स्पाइसेस जो कलेक्ट किए तो हमने जो है इससे कई सारी वेल्थ कमा ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, बड़ी सारी वेल्थ इससे इकट्ठी कर ली है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, दोबारा से जो है वो कहां जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, दोबारा से हमें जो है इंडिया जाना चाहिए और वहां पे जो है अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी चाहिए, वहां हमें ट्रेड करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, स्पाइसेस को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, 1502 में वो क्या करते हैं, फिर से वापस कहां चले जाते हैं, लिस्बन से वो फिर से वापस कहां चले जाते हैं, इंडिया में, भारत में वापस चले जाते हैं। अब जब वो भारत में जाते हैं तो क्या होता है वहां पे, पहले हम ये पॉइंट को रीड आउट कर लें क्या लिखा हुआ है। देखिए, अमंग द यूरोपियन पावर्स द पुर्तगीज कंपनी वॉज द फर्स्ट टू एंटर इंडिया, वही बोला हुआ है कि यूरोपियन पावर्स में सबसे पहले पुर्तगीज ने इंडिया में एंटर किया था। नेक्स्ट है कि द न्यू सी रूट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय द पुर्तगीज मर्चेंट वास्को डी गामा, जो हमने अभी पीछे देखा कि 1498 को जो है वो एक नए रूट को जो है डिस्कवर करते हैं, जो कि कौन है, वास्को डी गामा, और कहां पे पहुंचते हैं, कालीकट में। कालीकट में मैंने आपको क्या पढ़ाया ऊपर, कालीकट में। देखिए स्टूडेंट, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने आपको यहाँ पे कोचिंग बता दिया, कोचिंग नहीं है, क्या है, कालीकट,
ठीक है, तो उन्होंने जो अपनी फैक्ट्री थी वो एस्टैब्लिश कहाँ की थी, कालीकट में। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक होगी, आप यहाँ पे करेक्ट कर लें। तो कहाँ पे उन्होंने सबसे पहले, कालीकट में वो पहुंचे और वहां पे उन्होंने फैक्ट्री लगाई, देन वो गोवा गए और गोवा से वापस वो कहाँ गए, लिस्बन गए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि किंग ऑफ कालीकट जो है, जो मेरियन, वो क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और वो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, कालीकट में। और कब करते हैं, 1498 में। कब करते हैं, 1498 में वहां पे अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है कि फर्स्ट ऑफिशियल फैक्ट्री जो है, वो ऑफिशियल फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, कोचीन में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था अभी ऊपर, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, कोचीन में करते हैं। वो मैंने आपको बिल्कुल सही चीज पढ़ाई कि वो कहाँ पे करते हैं, कोचीन में करते हैं। लेकिन मिस्टेक उसमें क्या हुई कि कोचीन में वो कब करते हैं, जब वो लिस्बन से दोबारा जो है वो भारत में आते हैं। ठीक है, जब वो दोबारा भारत में आते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट ऑफिशियल फैक्ट्री जो कि भारत में एस्टैब्लिश की जाती है। ये हमारी फर्स्ट ऑफिशियल फैक्ट्री थी। लेकिन क्वेश्चन अब ये उठता है, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने लिखा है फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो कालीकट में थी, और अभी आपने ऊपर भी बताया हमें मैप में कि जो जब वो यूरोप से जो है हमारे भारत में आते हैं तो वो कालीकट में पहुंचते हैं, जिधर उनका जो मेरियन जो रूलर वहां पे किंग है वो उनका स्वागत करते हैं और वहां पे वो जो अपनी एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। तो देखिए हुआ क्या कि उस टाइम क्या था, जो अरेबियन सी में जो भी वहां पे अरब रहते थे, ठीक है, अरब के जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो रीजन था, ठीक है, ये जो रीजन था, यहाँ के जो भी बिजनेसमैन थे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो मेरियन से, वो पूछते हैं कि आपने जो है यूरोपियंस को यहाँ आने की परमिशन क्यों दी, आप उनको फेवर क्यों कर रहे हो, आपने उनको जो है यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश करने की, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की परमिशन क्यों दी है। तो क्या होता है, वो मतलब उनसे जो है ये सारे क्वेश्चंस करने लग पड़ते हैं, जिससे जो मेरियन क्या करते हैं, उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, वो जो फैक्ट्री उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कालीकट में बनाई थी, उस चीज को वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मतलब जो उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई वो तो डिस्ट्रॉय होगी, तो मतलब ये हमारी फर्स्ट फैक्ट्री नहीं रहेगी। देन वो जब दोबारा से जब यूरोप से वो कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं, तो वो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे, ऑफिशियल फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, कोचीन में। और कब करते हैं, 1503 में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है कि सेकंड फैक्ट्री जो है वो कहां पे लगाते हैं, कन्नूर। मेन तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट फैक्ट्री का रहता है कि फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने कहां एस्टेब्लिश की। वैसे तो उसके साथ वो कई सारी फैक्ट्रीज जो है उसके साथ साथ वो और भी जगहों पे क्या करने लगे, एस्टेब्लिश करने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब वो अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज वहां पे बनाने लगे, तो उनको जो है चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, गवर्नर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, गवर्नर को चूज करते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट गवर्नर हैं, पुर्तगीज गवर्नर, जिन्हें जो है फैक्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए चूज किया जाता है, उनका क्या नाम है, फ्रांसिस्को अल्मीदा। ठीक है, क्या नाम है उनका, फ्रांसिस्को अल्मीदा। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर थे, जिन्हें जो है सेलेक्ट किया जाता है किस चीज के लिए, फैक्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए। और ये जो है ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। अब क्या था, यहां पे जो अरेबियन सी थी स्टूडेंट्स, ठीक है, अरेबियन सी में क्या था उस टाइम, यहाँ पे जो है जो इजिप्ट की नेवल फोर्स थी वो भी थी, इजिप्ट के साथ यहाँ पे गुजरात की नेवल फोर्स थी, और तीसरी यहाँ पे फ्रांसिस्को की नेवल फोर्स थी। तो इन लोगों का मेन क्या था कि हमें क्या करना है, अरेबियन सी को अपने अंडर करना है, अपने कब्जे में करना है। तो जब ये सारी चीजें वहां पे चल रही होती है, तो इनकी आपस में क्या हो जाती है, बैटल हो जाती है। उस बैटल में क्या होता है कि फ्रांसिस्को अल्मीदा के जो सन है, सन उसमें क्या, उनका जो बेटा है वो उसमें क्या होता है, मारा जाता है। तो जब उनका बेटा मारा जाता है, तो ये क्या करते हैं, उसके बाद कहाँ पे चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं। मतलब कि 3 इयर्स के लिए ये क्या करते हैं, भारत में रहते हैं, और वहां पे 3 इयर्स के बाद ये क्या करते हैं, वापस से कहाँ चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो चले गए वापस यूरोप। अब उन्हें क्या करना है, सेकंड गवर्नर को अपॉइंट करना है। तो क्या करते हैं, वो 1509 में सेकंड गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जिनका क्या नाम है, अफोंसो द
एल्बुक्यूर्क, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है कि 1509 में जो है वो किन्हें अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो मेनली हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे जो पुर्तगीज के, तो सेकंड गवर्नर जो थे उनका नाम क्या था, ठीक है। अब ये क्या है, he was also the first duke of Goa. इसमें जो है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रहता है जो कि हमें नोट करना है, वो क्या है, he was also a actual founder of पुर्तगीज कंपनीज, ठीक है। इन्हें जो है वो एक्चुअल फाउंडर भी माना जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल फाउंडर इन्हें क्यों माना जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे गोवा को, उसके बाद दमन एंड दीव को, और भी कई सारी प्लेसेस को, मतलब इंडिया का ये जो मैक्सिमम पार्ट है वो किसके अंडर कर लेते हैं, अपने अंडर कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो इसलिए इन्हें जो है फर्स्ट ड्यूक ऑफ गोवा के नाम से भी जाना, मतलब कहा जाता है। एंड ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम विजयपुरी रूलर 1510। और इन्होंने गोवा को किससे कैप्चर किया था, किससे किया था, उनका क्या नाम था, विजयपुर, जो कि वहां पे रूल कर रहे थे, और कब किया था, 1510 में, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है कि जो सेकंड गवर्नर है वो क्या रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड गवर्नर वो अपॉइंट करते हैं न्यूनो द कुन्हा को, ठीक है। ये क्या करते हैं, पुर्तगीज कैपिटल जो थी हमारे इंडिया की, वो कोचिन से कहां शिफ्ट कर देते हैं, गोवा में, ठीक है। तो ये थे हमारा, मतलब कि पुर्तगीज का किस तरीके से जो है अराइवल हुआ, कैसे कैसे कंपनीज उन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू की, फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने कहां पे बनाई, ठीक है। तो वो सारा आप देख लेना। देन इसमें आता है हमारा कि 1498 टू 1600 के बीच क्या है, कोई भी यूरोपियन कंपनी जो है वो भारत में नहीं आती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो डच जो है वो कहां आते हैं, भारत में आ जाते हैं। तो मतलब क्या होता है, अराइवल ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फर्स्ट पर्सन जो हमारे इंडिया में आए थे वो कौन थे, क्या नाम था उनका, कॉर्नेलिस द हाउटमैन, ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि बताइए फर्स्ट डच पर्सन जिन्होंने इंडिया में आए थे, या जो सबसे पहले फर्स्ट डच पर्सन थे जो हमारे इंडिया में आए थे, उनका क्या नाम था, तो उनका क्या नाम था, कॉर्नेलिस द हाउटमैन, ठीक है। कब आए थे वो भी आपको याद रखना है, 1596 में वो हमारे भारत में आए थे, ठीक है। उसके बाद जब वो भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को वहां पे क्या किया, उसकी फॉर्मेशन की। मतलब कि ये जो डच पीपल थे ये कहां के थे, नीदरलैंड के, हॉलैंड के पीपल थे, ठीक है। ये कहां के रेजिडेंट थे, कहां के रहने वाले लोग थे, नीदरलैंड हॉलैंड के पीपल थे। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे आके ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो स्थापना की, उसकी फॉर्मेशन की, ठीक है। कब की थी, 1602 में, ठीक है। कब की इन्होंने, वो भी आप याद रखोगे, 1602 में उन्होंने क्या किया, वहां पे अपनी कंपनी की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट क्या हुआ, सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 में, ठीक है। अब क्या हुआ, डचेस ने वहां पे जो पहले व्यक्ति थे, जो डच व्यक्ति जो हमारे इंडिया में आए, उन्होंने क्या किया, वहां पे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है फॉर्मेशन की, एंड उन्होंने अपनी फर्स्ट जो फैक्ट्री थी वो कहां पे एस्टेब्लिश की, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और कब की, कौन से ईयर में की, 1605 में, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, धीरे धीरे वो भी मतलब पुर्तगीज की तरह जो है अपना जो एरिया वो एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो पुलिकेत में, चिंसुरा, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचिन, सूरत, कारिकाल और कसिम बाजार, इन सब जगह पे क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो कंपनी है जो हमारे भारत में आती है उसका क्या नाम है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है 1599 में, ठीक है। कब स्टार्ट होती है, 1599 में। तो इसकी फॉर्मेशन कब स्टार्ट की गई वो आप याद रखोगे। देन 1600 में इन्हें जो है एक रॉयल चार्टर दे दिया जाता है, किनके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा इन्हें जो एक रॉयल चार्टर दिया जाता है कि आप जाइए और ईस्ट इंडिया में जाके आप क्या करिए, ट्रेड करिए, ठीक है। रॉयल चार्टर का मतलब क्या है कि इन्हें जो है एक मोनोपोली पावर दी जाती है कि मतलब आप जाइए और वहां पे जाके ट्रेड करिए, तो वहां पे जाके फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करिए, आपके अलावा कोई भी जो कंपनी है वो ब्रिटेन से दोबारा वहां पे नहीं जाएगी जब तक कि आपके ये 15 ईयर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। तो इनको जो 15 ईयर्स की जो है एक मोनोपोली पावर मिल जाती है कि आप जाइए, आप ट्रेड करिए और कोई भी कंपनी जो है हमारी तरफ से वहां पे नहीं जाएगी, वहां पे ट्रेड नहीं करेगी, इंटरफेयर
नहीं करेगी, ठीक है। तो इनको जो 15 इयर्स की वहां पे एक मोनोपोली पावर दे दी जाती है, किनके द्वारा दी जाती है, तो किनके द्वारा दी जाती है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। अब क्या हुआ, 1605 में अराइवल ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पे डच नहीं आएगा, डच तो आ गए हैं, इंग्लिश, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1605 में क्या होता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल होता है, वो क्या करते हैं, भारत में आते हैं। तो ये जो कंपनी बन रही थी, इसकी फॉर्मेशन हुई कब हुई, ठीक है, इनको जो है रॉयल चार्टर दिया गया, किनके द्वारा दिया गया और कब दिया गया, और ये भारत में कब आई, 1605 में। अब जब ये भारत में आती है, जब ये भारत में आती है तो किसका रूल वहां पर चल रहा होता है, तो किसका रूल वहां पर चल रहा होता है, जहांगीर का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो किसका रूल होता है, उस टाइम जो है वो अकबर का रूल होता है, लेकिन जब ये भारत में आती है तो उस टाइम किसका रूल चल रहा होता है, वहां पे जहांगीर का रूल चल रहा होता है। अब होता ये है कि जब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आती है, तो वो भी क्या बोलती है, वो भी बोलती है कि हमें क्या करनी है, अपनी जो एक फैक्ट्री है वो एस्टेब्लिश करनी है। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम फैक्ट्री कहां पर एस्टेब्लिश करेंगे, सूरत में। कहां पे करेंगे, कहां पे करेंगे, सूरत में, ठीक है। अब सूरत में जो है, सूरत में उन्होंने क्या कर लिया कि हम क्या करेंगे, फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे। अब सूरत में ऑलरेडी किस किस की कंपनीज हैं, एक तो पुर्तगीज की कंपनी वहां पे है, ठीक है, और दूसरी वहां पे किसकी कंपनी है, दूसरी वहां पे डचेस, उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम वहां पे क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। तो मतलब कि अभी डचेस ने वहां पे फैक्ट्री अपनी एस्टेब्लिश नहीं की है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पहले अपनी कंपनी, वो सॉरी, वहां पे फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे, देन उसके बाद डचेस के साथ इनकी बैटल हो जाती है, वो तो चल हम समझते हैं। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो कि सूरत में जो है ऑलरेडी पुर्तगीज की फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, और पुर्तगीज वहां पे क्या है, काफी पावरफुल है, इन्होंने जो है बड़े सारे एरिया को अपने अंडर कर लिया हुआ है, बल्कि इन्होंने जो है अरेबियन सी को भी, उसका भी बड़ा सारा पार्ट जो है वो अपने कब्जे में कर लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि जहांगीर, जहांगीर जो है वहां पे रूल कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, जो जेम्स फर्स्ट हैं, जेम्स फर्स्ट क्या करते हैं, एक पर्सन विलियम हॉकिंस को कहां भेजते हैं, जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि जो जहांगीर जो हमारे किंग हैं, ठीक है, उनके कोर्ट में किसे भेजा जाता है, किसे भेजा जाता है, विलियम हॉकिंस को, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस को वहां पे भेजा जाता है, विलियम हॉकिंस को वहां पे किस लिए भेजा जाता है, विलियम हॉकिंस को वहां भेजा जाता है, आप एक राजदूत बनकर वहां जाइए और जहांगीर से आप परमिशन लेकर आइए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सूरत में क्या करनी है, अपनी फैक्ट्री लगानी है, क्योंकि आप फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए परमिशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब सूरत में फैक्ट्री लगानी है तो वो जहांगीर से परमिशन लेने पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, अपने एक राजदूत को भेजते हैं जिनका नाम है विलियम हॉकिंस, उनको वो भेजते हैं कि आप जाइए और उनसे परमिशन लेकर आइए। अब जहांगीर यहाँ पे फंस जाते हैं, उनको क्या होता है, एक तो वो बोलते हैं कि मैं परमिशन दूं ना दूं, क्या करूं, क्योंकि क्या है वहां पे जो है पुर्तगीज की ऑलरेडी फैक्ट्री है और पुर्तगीज जो है वो काफी पावरफुल है, उन्होंने बहुत सारे एरिया को अपने अंडर कर लिया हुआ है, ठीक है। अब वो बड़े सारे पावरफुल है, अगर वो ब्रिटिशर्स को परमिशन दे देते हैं तो इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को वो परमिशन देंगे तो पुर्तगीज क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, वो बोलेंगे कि आपने उनको क्यों अलाउड किया यहाँ पे फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ वो सोचते हैं कि अगर मैं ब्रिटिशर्स को मना कर देता हूँ, अगर मैं इनको मना कर देता हूँ तो पुर्तगीज क्या हो जाएंगे, और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और ज्यादा एरिया अपने अंडर करते जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, परमिशन दे देनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, इसी बीच क्या होता है, इसी बीच क्या होता है कि पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स के बीच जो है एक बैटल हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कि उसमें जो एक बैटल हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ सिवल्ले, जिसमें पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स के बीच एक बैटल शुरू हो जाती है। और वो बैटल क्यों होती है, क्योंकि पुर्तगीज की फैक्ट्री ऑलरेडी वहां पे है और अब ब्रिटिशर्स भी क्या चाहते हैं कि उन्हें वहां पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, और इसके लिए उनको आपस में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, बैटल शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ सिवल्ले। और ये बैटल ऑफ सिवल्ले कब होती है, 1612 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ सिवल्ले कब हुई थी, 1612 में, और ये किन किन के बीच में हुई थी वो भी आपको याद रखना है। तो कौन थे वो, पुर्तगीज, और दूसरे थे हमारे ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स इसमें
अब ये जो बैटल ऑफ सवल्ले हुई ना स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ, पुर्तगीज क्या हो गए, हार गए। पुर्तगीज हार गए मतलब कि अब ब्रिटिशर्स ज्यादा पावरफुल हो गए। तो जहांगीर देखते हैं कि ब्रिटिश जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गए, तो अब उनको क्या करना चाहिए, परमिशन दे देनी चाहिए। तो क्या हुआ, 1612 में ये बैटल होती है एंड 1613 में उन्हें जो है वो परमिशन दे दी जाती है कि आप जाइए और सूरत में जाके अपनी क्या करिए, फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 1613 में ये जाकर क्या करते हैं, सूरत में अपनी फैक्ट्री जो है, परमानेंट फैक्ट्री वहां पे जाके एस्टेब्लिश कर देते हैं। 1616 में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन मसूली पटनम, और उसके बाद 1613 के बाद ये 1616 में क्या करते हैं, मसूली पटनम में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। एंड देन ये धीरे धीरे करके जो है और भी कई सारी जगह पे अपनी क्या करते हैं, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसी बीच हमने देखा था कि जो डचेस थे वो भी आगे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हैं कि जैसे पुर्तगीज है, ठीक है, मैं फुल नेम नहीं लिखूंगी, एक तरफ आगे हमारे पुर्तगीज, दूसरे आगे हमारे डचेस और तीसरे आगे हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अभी तक कितनी कंपनीज हमारे भारत में है, तीन कंपनीज हमारे भारत में, कौन कौन सी, पुर्तगीज, डचेस और ब्रिटिशर्स की कंपनी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, सूरत में फैक्ट्री लगाएंगे। तो इस चीज, इस चक्कर में क्या होता है कि पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स की जो है बैटल हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ सवल्ले, जिसका क्या नाम है, बैटल ऑफ सवल्ले। ठीक है, अब इसमें जो इनकी बैटल हुई उसमें क्या हुआ, पुर्तगीज जो है वो हार जाते हैं। ठीक है, पुर्तगीज हार जाते हैं एंड जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे वो क्या होते हैं, जीत जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, काफी पावरफुल हो जाते हैं। अब जो है डचेस का भी यही सीन है, ये भी क्या कह रहे हैं, हमें सूरत में फैक्ट्री लगानी है। और इसके बाद क्या होता है, डचेस और ब्रिटिशर्स की जो है वो बैटल शुरू हो जाती है। ठीक है, इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ बदेरा। ठीक है, तो ये बैटल जो है कब होती है, 1759 में, और इसमें भी क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत जाते हैं, मतलब कि डचेस हार जाते हैं और ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि पुर्तगीज और डचेस तो हार गए, मतलब कि ब्रिटिश क्या हो गया, अब ज्यादा पावरफुल हो गया, तो ब्रिटिश क्या हुआ, ज्यादा पावरफुल हो गया। तो अब हमारी जो इंडिया में जो कंपनी रूल कर रही है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज लगा रही है, अपना एरिया बढ़ा रही है, वो कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़े टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे भारत में आती है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो कब होती है, 1616 में, और इसकी फॉर्मेशन कौन करते हैं, इसकी फॉर्मेशन करते हैं लुइस 14, जो कि कहां से है, फ्रांस से है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, दानिश, या आप इसको दानिश भी कहते हैं, DANES, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम है अलग अलग बुक्स में, कहीं जगह पे आपको दानिश देखने को मिलेगा, कहीं जगह पे ये। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन है, या आप कह सकते हैं कि ये भारत में कब अराइव हुए, कब आए, तो कब आए थे, 1616 में। ठीक है, और इसकी जो फॉर्मेशन थी वो किन्होंने की थी, लुइस 14 ऑफ फ्रांस ने। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहां पे एस्टेब्लिश की, इन्होंने कहां पे एस्टेब्लिश की, तरिंकवा बार में। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट फैक्ट्री अपनी वहां पे एस्टेब्लिश की, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जो है मसूली पटनम, निकोबार, वहां पे भी अपनी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दी। ठीक है, अब होता ये है कि जब ये भारत में आते हैं तो ये क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स वहां पे क्या है, काफी पावरफुल है। देखा ना हमने कि ब्रिटिशर्स जो है वो काफी पावरफुल है। अब जो डच, अब ये जो दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे आई, इनके पास जो है दो ही ऑप्शन है। ठीक है, इनके पास जो है दो ऑप्शन है, एक तो क्या ऑप्शन है इनके पास, फर्स्ट ऑप्शन इनके पास है कि ये यहीं पर रुके, ठीक है, यहीं पर रुके और क्या करें, फैक्ट्रीज को लगाएं, और दूसरा ये क्या करें, जिस तरीके से पुर्तगीज और डचेस के साथ बैटल होगी और वो हार गए, उस तरीके से ये भी लड़ाई में कूद जाएं, ये भी बैटल करें। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने बोला कि यहाँ तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, बैटल करनी पड़ेगी, इन्हीं लोगों की तरह लड़ना पड़ेगा। और दूसरा इन्होंने बोला कि अगर मैं ये नहीं करना चाहता तो मैं किसी और नेशन में जाकर जो है वो ट्रेड कर सकता हूँ। अब ये कंपनीज क्यों आ रही थी भारत में, ट्रेड करने के लिए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, मैं बैटल नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, किसी और नेशन में जाके जो है ट्रेड शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये जो है ये सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं कि मैं क्या करूंगा, किसी और नेशन में जाके ट्रेड करूंगा। और इन्होंने जो भी ये फैक्ट्रीज, तीन चार फैक्ट्रीज या जो भी इन्होंने एरिया, मतलब अपने उसमें अंडर किया होता है, या आप कह सकते हैं कि जिधर से ये ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ये वो सारा किसको बेच के चले जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखिए अब हुआ क्या,
पुर्तगीज हार गए, डचेस हार गए, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब डचेस इसको दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला तो इन्होंने बैटल ही नहीं की, इन्होंने बोला कि नहीं मुझे क्या करना है, मुझे पीसफुली यहाँ से चला जाना चाहिए, और इनका जो भी सिस्टम था वहाँ पे इन्होंने सारा किन्हें बेच दिया, ब्रिटिशर्स को बेच दिया। अब सब कुछ किसके पास है, ब्रिटिशर के पास है, अब कौन रूल काम कर रहा है वहाँ पे, ब्रिटिश काम कर रहा है, ब्रिटिश व्यापार कर रहा है, वही वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड 1845 में ही डिसाइडेड टू लीव इंडिया, और 1845 में वो क्या करते हैं, इंडिया से चले जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारी कंपनी, जो यूरोपियन कंपनी हमारे भारत में आती है, उसका क्या नाम है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, तो इसकी फॉर्मेशन होती है 1664 में। इसकी फॉर्मेशन कब होती है, 1664 में, आपको याद रखना है, 1664 में ये हमारे भारत में आती है, और ये एक क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। क्या है ये, गवर्नमेंट कंपनी है। इसके जो भी लॉज हैं या पॉलिसीज हैं, रूल्स रेगुलेशन है, कौन देखता है, सारा जो ट्रेड का काम है या कुछ भी है, वो सारा किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, सारा गवर्नमेंट के अंडर है। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट की है, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है कि वो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, और ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक गवर्नमेंट है, मतलब इसका सारा कंट्रोल जो है या सारी चीजें हैं वो कौन देख रहा है, गवर्नमेंट देख रही है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे भारत में आते हैं और फर्स्ट फैक्ट्री अपनी कहां पे एस्टेब्लिश करते हैं, सूरत में 1668 में, ठीक है। एंड सेकेंड फैक्ट्री ये जो है मसूलीपट्टनम में 1669 में जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। धीरे धीरे ये माहे, पांडिचेरी, यानम, बालासोर, इन सब जगहों पे भी क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी फैक्ट्रीज जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं एक चीज और, क्या बोला गया कि ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सूरत में। तो मतलब सूरत में करेंगे तो सूरत में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी तो लड़ाई होना, मतलब कि हो ही जाएगी, यहाँ पे भी तो बैटल, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि हर एक पर्सन जो है वो सूरत के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब कि किसी को भी आना है, पुर्तगीज आए, उन्होंने भी क्या बोला कि हमें क्या करना है, सूरत में भी अपनी फैक्ट्री लगानी है। वैसे जो डचेस आए, उन्होंने भी क्या बोला, उन्होंने भी बोला कि हमें कहाँ, सूरत में। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी सूरत में, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, ये भी क्या बोल रही है कि हमें कहाँ पे, सूरत में। मतलब कि सभी पर्सन्स ने अपनी फैक्ट्री जो है सूरत में बनाना तो बनाना लिखा ही लिखा है, ठीक है। तो अब ये सूरत ही क्यों जाना चाहते हैं, वहां पे क्यों अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो देखिए एक तो वहां पे आ जाती है हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है। वहां पे जो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल है, अच्छी है, दैट्स वाई लोग जो है वो वहां पे फैक्ट्री अपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, वहां पे सॉइल अच्छी मिलती, सॉइल अच्छी मिलती नहीं है स्टूडेंट्स, वहां पे जो है वो ब्लैक सॉइल है, ठीक है। कौन सी सॉइल है वहां पे, ब्लैक सॉइल है। अब ब्लैक सॉइल होगी तो ब्लैक सॉइल में किसकी खेती की जाती है, कॉटन की, कॉटन की खेती की जाती है ना, और कॉटन की खेती होगी तो वहां पे क्या होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होंगी तो फैक्ट्रीज भी तो वही बनेंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सूरत में सबका जाने का एक मेन मोटिव क्या है, कि वहां पे जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो अच्छी हैं, वहां पे जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो भी फेवरेबल हैं, और वहां पे जो है ब्लैक सॉइल अच्छी मिलती है। दैट्स वाई लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो ब्लैक सॉइल है उसके द्वारा हम जो है कॉटन की खेती कर सकते हैं, कॉटन की प्रोडक्शन कर सकते हैं, और कॉटन की प्रोडक्शन होगी तो वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बनेंगी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनेंगी तो वहां पे फैक्ट्रीज की भी जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई सब लोग क्या कर रहे हैं, सूरत सूरत सूरत, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सूरत के बाद 1668 के बाद वो क्या करते हैं, सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश करते हैं। देन वो माही, पांडिचेरी, यानम, बालासोर, इन सभी जगहों पे क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, इसके बाद है द फॉर्मेशन ऑफ पांडिचेरी वॉज लेड बाय फ्रांसिस मार्टिन इन 1746। देखिए पांडिचेरी की जो फॉर्मेशन है वो किन्होंने की है, किन्होंने की है, फ्रांसिस मार्टिन ने, और कब की थी, 1746 में की थी, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप क्या देख रहे हो कि हमारे जो भारत में है वो दो ही पावर्स बची हैं, कौन कौन सी बची हैं, नाम बताइए। देखिए एक तो है हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एक तो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ हमारी जो है वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब देख रहे हैं कि अब हमारे भारत में दो ही पावर्स बची हैं, कौन कौन सी, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और दूसरी जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब यहां पे भी क्या होंगे, अब यहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफी पावरफुल हैं और अब इसके बाद यहां पे भी इनका भी आपस में झगड़ा होगा और यहां पे जो है तीन बैटल्स हमें देखने को मिलती है जो कि हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में ये कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहां पे क्या देखा, सबसे पहले तो क्या हुआ, यूरोपियन कंपनीज, ठीक है। जब हमने सिलेबस डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि पांच कंपनीज जो है वो कहां आती हैं, भारत में आती हैं। तो पांच यूरोपियन कंपनीज जो है वो भारत में पहुंच चुकी हैं और उसके बाद हमने देखा कि इनकी आपस में ही जो है बैटल शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपस में इनकी जो बैटल्स हैं वो शुरू हो जाती हैं, तो जिसमें हमने देखा बैटल ऑफ सवल्ले भी होगी, मतलब पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स के बीच भी जो बैटल शुरू होगी एंड देन ब्रिटिशर्स जो है वो जीत जाते हैं। देन डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच शुरू हो जाती है जिसमें जो है ब्रिटिशर्स फिर से जीत जाते हैं। उसके बाद जो है दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तो बोलती है कि नहीं भाई मैं नहीं लड़ूंगी, मैं क्या करूंगी किसी और कंपनी किसी और नेशन में जाके क्या करूंगी, ट्रेड करूंगी। तो वो वहां से चले जाती है, वो अपना सारा बेच बूच के वहां चले जाते हैं ब्रिटिशर्स को। देन उसके बाद जो है हमारी लास्ट आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि क्या कर रही है, अभी वहां पे रूल कर रही है। तो अभी दो ही पावर्स हमारी वहां पे बची हुई हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इन लोगों के बीच में बैटल होती है और सारा जो मतलब कि ट्रेड का जो कारोबार है फिर वो कौन संभाल लेता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सारा जो रूल है वो किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो देखिए जो आज का जो हमारा ये टॉपिक बचा है थोड़ा सा, वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी तीन बैटल्स हुई और किस तरीके से जो है ये सारा जो रूल है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहां पे जो भारत में जो है वो ट्रेड करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।